अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आज की गुड मॉर्निंग का आगाज़ जी ईद पे कुर्बानी के बकरों लेलो के साथ है, जो कि आ चुके हैं घर में। ये ले जी, माशाल्लाह। तो खुले ही छड़ना है ना, खुलना है। हाँ, फिर दे रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत सोना। हाँ, क्या 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 हो रहा है। मैं सही हूँ। क्या क्या ना सगे ना सगे पाले खड़ा करना है ताकि बकरे उतर ना जा। पक्का चला दो। ये देखें जी, कुर्बानी के बकरे आए हैं। दो बकरे हैं और दो लेले हैं। नो यूरो नो पोटी। तू आज क्या कह रहा है? नो यूरो नो पोटी। उन्हें हाँ जी, यूरो को लस्सी बना के दी है। आज फिर दही लेट हो गया। यहाँ जी लस्सी की देखे बोलते हैं, इस पर कर रहे जी बंद। ये उसको चुप के हम रखेंगे फ्रीजर में। और तो दी भाई उधर अब सारा। यहाँ जी हो रही हैं सफाइयाँ। आसिया ने फ्रीज़र भी अच्छी तरह अंदर से धो के साबुन के साथ वो खोल के रखा हुआ है। हाँ जी आ गए ना पट्ठे। मैं कह रही था भैंस होके पट्ठे आ गए हैं। भैंस होके पट्ठे आ गए। जिन देर तक ऐसा बकर नहीं पानी को नहीं पाया। आटा आटा ओ पानी दे विच ओंदा अली भाजन उथे बकरे आंदे हुंदे सन। मैं नहीं छोड़े लिया उन्होंने गले जो टपक पट्टी ना रहते। एवें गला ना कटया जा रहे भाई। नहीं और सेड़े बंदियां ना इनां नु कोला ना ले। आज जो जी सनास किचन ने जूस बनाया है वो है आड़ू और फालसे का, जो कि इसको जी हम ठंडा कर लें। इसको छान लिया मैंने अच्छे से। हाँ जी, तो हाँ जी, तो आप कभी जी आड़ू और फालसे का बना के देखें, आपको एक अलग ही टेस्ट यम्मी साजी मिलेगा पीने के लिए। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट, मैंने इसको टेस्ट किया है। और जो चीज़ अच्छी हो आपको वही बताते हैं ताकि आप लोग भी बनाएं एंजॉय करें। जैसे कि आड़ू भी सस्ता हुआ हुआ और फालसा भी सस्ता है, तो बनाएं पिए और इंजॉय करें। ठीक है जी, ये देखें ज़बरदस्त था। इसमें चाहे तो आप तुख्म लंगा भी ऐड कर लें। हेलो बुजी, पिए और बताएं, पिए के बताएं कैसा है। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, दम के वाह। ये ले जी, बुजी ने कहा कि वाह भाई वाह। तो यहाँ जी क्लास हम अपना भी भरेंगे। ठीक है, बाहर जी ईद का जानवर आया और बड़ा ही शोर मचा हुआ है। मैं कहता लड़ाई हो गई है बाहर। यहाँ जी सामने वालों के ये जानवर आए थे कुर्बानी के लिए, और जब लोडर रिक्शे से उतारते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर डर जाता है। वो डर के फिर इधर भागता है उधर भागता है, मतलब वो बेकाबू हो जाता है। और यहाँ जो ये वाइट वाला तकरीबन जो चित्रा सा इसको बोलते हैं, चित्रा प्रिंट इसको बोलते हैं, चीता प्रिंट नहीं। तो ये बस थोड़ा था जी, मच्छर गया, बपर गया। और आवाम जो थी, गली मोहल्ले के बच्चे,
सामने वालों के माशाल्लाह अपनी काफ़ी फैमिलियाँ उनके बच्चे बकायदा जी वीडियो बन रही थी। खैर मैं तो लेट पहुँची, पहले अच्छा खासा तमाशा हो चुका था जो कि अबू जी ने काफ़ी इंजॉय किया और अबू जी साथ हदायत भी दे रहे थे, इधरों रस्सी पाओ इधरों करो। मुझे लगा शायद बाहर की लड़ाई हो रही है, पर यहाँ जी ऐसा लड़ाई का कोई सीन नहीं था। पर यहाँ पे जिस तरह ऐसे जानवर भपर जाएँ तो आवाम जी ज़्यादा तमाशा देखने के लिए खड़ी हो जाती है, अगर वो बेकाबू होकर भाग गया तो कई लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो सो ज़रा दूर रहना चाहिए। तो यहाँ जी बन रहा है चिकन आलू वाला रोस्ट, आज बच्चों ने आना है तो बच्चों ने फरमाइश की है, तो इसमें चिकन है उसको जी आपने कट्स लगा लेना है, एक अदर नींबू मैंने काट के अंदर डाला है, थोड़े से पुदीने के जी पत्ते हैं और हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च है, सूखा धनिया, ज़ीरा और चाट मसाला और 2 टेबल स्पून जिसके अंदर हमने डाले हैं किसके सिरके के, और ऑयल थोड़ा सा ऐड किया है और दही थोड़ा सा ऐड किया, इसको मिक्स करके जी पकने के लिए रख देंगे। और साथ इधर जी आम पन्ना बन रहा है, आम का उबाल के इसका गुद्दा निकाल के इसके में जो मसाले होते हैं ज़ीरा, पुदीना, काला नमक, चीनी, वो चीज़ें जी हम ऐड करके तो आम पन्ना बनाएंगे, क्योंकि मैंने खुद भी बना के पी लिया और भाई आए थे, भाई ने भी पी लिया, अबू ने पी लिया, आसिया ने पी लिया और मेरे बच्चों ने अभी तक मेरे हाथ का जी आम पन्ना नहीं पिया, तो आज ये उनके लिए स्पेशल बन रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि आज किचन में ये काम हो रहा है। ठीक है, ये देखें जी इतने बन गए थे, तो मैंने आलू काट के डाल दिए हैं, तो अभी हल्की आंच पे मैंने रखे हुए हैं, तो बस अच्छा सा कलर आ जाएगा, ये रोस्ट हो जाएंगे साथ आलू जिसके बन जाएंगे, साथ गाजर, टमाटर, प्याज, खीरे के साथ जी मैं ये सर्व करूँगी बच्चों को। बच्चों ने फरमाई, ये देखें पुदीना जो है, ये पुदीना है ना, एक्चुअल चिकन बजता गंदा है, पुदीना है, तो बच्चों ने फरमाइश की जी कि बड़े दिन हो गए माँ के हाथ का नहीं खाना खाया, तो मामा उनको, मुझे पता है कि उनको ये मेरे हाथ का रोस्ट बहुत पसंद है, तो उन्होंने फरमाइश की खुद ही कि जो आप बनाती हैं हमारे लिए वो बना के रखें, तो हम आएंगे तो खाएंगे। मैं क्या चलें जी, ठीक है जी, बच्चों की फरमाइश की है पूरी। ये लें जी आम पन्ना रेडी होने लगा और ये देखें छिलके, तो सबसे पहले जी आमों का गुद्दा था, उसके बाद मैंने पुदीना डाला, उस पर ज़रूर था पुदीने के पत्ते डाले क्योंकि ग्राइंड हो जाने हैं, पुदीने के पत्ते डाल लें, फिर आप इसके अंदर काला नमक डालें, चाट मसाला डालें, थोड़ा ज़ीरा डालें और चीनी डालें और इसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना, और इसको आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में, जिस तरह ये डब्बे होते हैं इस तरह इस टाइप के डब्बे या ऊपर ढक्कन लगता हो ज़रूर, उसमें डाल के आप फ्रीज़र में भी रख दें तो ये जमेगा नहीं, बिल्कुल एक पेस्ट की तरह ये रहता है और बड़ा ईजीली ये उठा के आप ग्लास में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप और किसी बोतल में डाल के लीजिए, फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसको जी हम करेंगे ग्राइंड थोड़े से पानी के साथ, बेहतरीन रेसिपी है ये, ख़राब भी नहीं होगा, 30-40 दिन 50 दिन इसको आप इजीली फ्रिज या फ्रीज़र में रख सकते हैं। ठीक है, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, पकाना सिर्फ हमने आमों का था, वो पक गया है, बाकी एक लिक्विड सा बन जाएगा ग्राइंड के बाद, उसको हम जी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जी इसके लिए थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी ऐड की है। ठीक है, इसको हम करेंगे हम ग्राइंड। तो यहाँ अगर आप मिंट का यूज़ करें जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ, और आपने इतना ग्राइंड करना है कि मिंट इसमें नज़र ना आए, एक पेस्ट की तरह इसके अंदर शामिल हो जाए। तो ये देखें जी ग्राइंड हो गया, इसके अंदर गार्निश के तौर पे आप लेमन यूज़ कर सकते हैं, वो लेमन पड़े हुए हैं, गार्निश के तौर पे जी लेमन आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आमों की अपनी जो खटास मिठास है वो साथ ही है। ये देखें ये पूरा डब्बा भर गया, ये इजीली फ्रीज हो जाएगा, बस हल्का सा ये जी वो जमेगा कि आप जैसे आइसक्रीम टाइप होता है तो आराम से ही उतर जाएगा। तो इसको जी हम बनाएंगे ताकि मैं और अबू जी पिए, बच्चे आए तो उनको भी हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ जी ये देखें ये पौवे में भरूँगी, चाहे तो आप थोड़ा और इसको गाढ़ा भी करके फ्रीज कर सकते हैं, मैंने इस तरह रखा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, 2 और ये 3, पहले मैं इसके 3 ऐड करके देखूँगी कि इसका टेस्ट ठीक है। रंग देखें जूस का कितना ज़बरदस्त बनता है, ये देखें पुदीना आप अच्छे से ग्राइंड कर लें, वो नज़र भी नहीं आना, बस उसका टेस्ट आपको फील होगा, जो कि एक बेहतरीन रिफ्रेशिंग सा जी आपको फ्रेश कर देगा। इसको जी पहले मैं थोड़ा सा गिलास में डालकर टेस्ट करूँगी, ये चीनी ठीक है, परफेक्ट बना, बस इसको अच्छे से जी ठंडा में करना है चीनी। ठीक है, चीनी कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से करें, हमने चीनी इतनी नहीं ऐड की क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं काला नमक और ऐड करती हूँ। ठीक है, बाकी परफेक्ट बन गया, तो
आज बिल आ गया ज़्यादा, रब्बू जी को सुबह की बड़ी टेंशन एंजाइटी। हेलो आपी वो हाँ जी हमने किया इसको बंद। अबू बैठ बैठे ने कितनी मेरे तमाशे करन नहीं है। तो यहाँ जो इसको हम रखेंगे फ्रिज में, फ्रिज में चला गया। ठीक है ये देखिए सामने भी दो बैल खिदमत हो रही है। ऊपर शेड लगाया गया ताकि धूप ना रहे इनके ऊपर, छाव रहे। ये जिनकी हो रही है खिदमत, एक वो है एक वो है। अबू जी को जी मिल्क शेक बना के दिया था। हाँ जी कैसा बने आ सी? शानदार, मजा आया ना? कहने वाले बाला नहीं आना। हाँ आने वाले ने बासु गड्डी भी सी पहले स्टार्ट हो उन्हें ही। हाँ? पहले गड्डी भी सी स्टार्ट हो उन्हें भाई। अच्छा। आप हो गई है। ये देखें जी बहुत मजमा लगा है। पैसों का मजमा पूरा ऊपर शेक। आहो मगरब होने वाली है। हाँ जी बच्चे चल पे ने। तो यहाँ जी अबू बाहर की लाइट ऑन करें क्योंकि मगरब होने वाली है। अबू जी ने खाना खा लिया है और बच्चे भी बस पहुँचने ही वाले हैं क्योंकि दोपहर थी फिर गर्मी में निकलना। तो ये जब ठंडा टाइम होता है इस टाइम तक रोशनी होती है। देखें जी मगरब की अजानें होने वाली हैं, बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे। तो बच्चों की जी कॉल आ गई है कि मामा हम 10 मिनट तक पहुंच रहे हैं। तो मैंने कहा चले मैं तब तक जो ये था रोस्ट बनाया इसको ज़रा गर्म कर लूँ। आज मौसम बड़ा अच्छा है जी, इस टाइम बड़ी अच्छी हवा चल रही है बाहर गली में भी। तो यहाँ मैं देख रही थी जी बच्चों की गाड़ी आने वाली है बस। जी बच्चे आ गए इधर की गड्डी बच्चे आ गए हैं जी, बच्चे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मामा का जूता है मेरा बेटा उदास हुआ है। काका मामा का जूता पहन के आई हूँ। हाँ जी ये रहे जी यमी सा आलू चिकन रोस्ट विद वेजिटेबल, ऊपर गार्निश हमने की है। यमी सा बच्चों के लिए रेडी हो गया। ले जी यहाँ पे एसी वगैरह लगा के अब्बू का बिस्तरा वगैरह सेट करके बस अबू से जब इजाज़त लेंगे। खाना दे दिया, दवाइयाँ दे दी, कमरा अबू जी का रेडी हो गया। ठहरिए मैं लगता है एग्जास्ट चला हुआ है, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा। चलो जी अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगी। तो मैं आपको करीब से दिखाऊँ आज जरा ये देखे जाना। ये भी चीज लिए होता है ये जी अपने शहर पहुँच आए हैं खैर खरीत से। तो बस दिल जरा बड़ा परेशान उदास भी है कि अबू आज अकेले सोएंगे, नहीं तो रोज उनके साथ दूसरे बेड भी होती थी, उनके कमरे भी होती थी। रात जितनी दफ़ा उठते थे मैं साथ उनके उठती थी कि क्यों उठे हैं, पानी चाहिए, वाशरूम में जाना। तो अल्लाह खैर करे जी, बस कुछ पीछे फिर काम भी ज़रूरी है, बच्चों के साथ निकलना है। बिल्कुल जी बकरियाँ बकरे आए जी ईद वास्ते। तो इंशाल्लाह जी बस कल का दिन जाएगा तो फिर अबू जी के पास। ये ले जी घर आ गया और घर अंदर गली में घुसते ही लाइटें शाइटें सादी सुद्दी वाला माहौल। हाँ ये नया मकान बड़े दिनों में बना, ऊपर वाला पोर्शन आज बत्तियाँ छतियाँ लग गई हैं। लगता है वोटी का उतला पोर्शन बने हैं है, क्या चमक नहीं बतियाँ। ले जी घर आते ही काम शुरू, टेलर के पास एक सूट का पता करने जाना है, एक कल देना है। तो बस पानी पिया, सामान रखा है, मैसेज किया है सबको कि मैं पहुँच पर। तो अब जी जा रहे हैं बाजार। कर बेटा चलो जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अगेन जी। अगला दिन शुरू हो चुका है और ये किसी का ऑर्डर था कपड़ों का, मतलब ये एक साथ तो नहीं आया। पहले दो सूट आए, फिर दो आए, फिर एक बाद में आया क्योंकि ये सब आउट ऑफ स्टॉक थे और सब जी ये हिट आर्टिकल हैं और एक से बढ़ के एक सूट है। यकीन करें ये इतने खूबसूरत हैं
कि मेरा अपना दिल आ गया इन सूटों पे। और ये जो था ये ब्रिजे टाइप था और दुपट्टे शिफोन के साथ थे, बहुत ही खूबसूरत अच्छे फ्लावर के साथ। और ये आइस ब्लू कलर, मैं कहती हूँ क्या ही बात है, ये भी बहुत ही खूबसूरत था, बस अच्छे से स्टिच हुए हों। पर ये जी किसी के अनस्टिच थे तो उनको चाहिए थे ये लैसे मैसे सारी जिसके अंदर ही हैं, तो हर चीज़ पैच वगैरह है। अगर एक्स्ट्रा आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो उसकी लैस या जो जॉइंट होता है वो आप ले सकते हैं। तो ये जी मैंने पोस्ट करवाने जाना था, फिर एक दुपट्टा था वो पोस्ट करवाना था, और कुछ घर में सब्ज़ी की ज़रूरत थी, मैं कहा मैं वो भी ले आऊँ। और टेलर के पास भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था रात के, मैंने टेलर के पास भी जाना है, एक सूट वहाँ से उठाना था और एक सूट वहाँ पे देना था। बच्चों के कपड़े थे, अपने तो जी मैंने स्टिच नहीं करवाए, मेरा एक जेलबरी का था और आई थिंक एक जे डॉट का मेरा रेडी टू वेयर जो मैंने लिए वो हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं ईद के पास जा के आपको ज़रूर वो दिखाऊंगी। तो यहाँ जी बाज़ार सारे कामों से हो हवा के सब्ज़ी वगैरह ली, सब्ज़ी मैंने क्या ली जी, लहसुन लिया और प्याज लिए। तो जो 5 किलो प्याज था वो मेरे ख़्याल में आया पता नहीं 600 रुपये का, और जो थे लहसुन वो जी मैंने किलो लिया वो आया था 400 रुपये का, तो बस वो लिया। टमाटर जो हैं, जैसे कि लाइट जाती है गर्मी से टमाटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने कहा वो तो चलो बंदा दही का यूज़ भी कर लेता है या ईद पे जो कुकिंग वगैरह करनी हो, तो टमाटर चलो एक दो दिन के लिए, तो हरी मिर्चें हो गई, पुदीना हो गया, ये ताज़ी ही अच्छी लगती हैं। तो अगर आपने स्टॉक करना है तो जो ड्राई खुश्क चीज़ है जो ख़राब नहीं होती वो लहसुन और प्याज है, तो उसको जो आप ले के उसका स्टॉक आप कर सकते हैं। पर यह कि किसी खुली टोकरी में हो या कोई बहुत बड़ा जो चंगेर होती है उस टाइप की चीज़ हो उसमें आप डाल के, अगर आपका ऊपर वाला पोर्शन है या स्टोर है, अमूमन लोग वहाँ भी रख देते हैं। तो यहाँ जिसके बाद मैंने जाना था बेटी के साथ कॉलेज जहाँ पे उसका प्रैक्टिकल था, तो यहाँ जी हम कॉलेज पहुँच चुके थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आप किसी भी जी तलीमी इदारे में जाएंगे वहाँ पे एक हिस्ट्री आपको नज़र आएगी, मतलब कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, फातिमा जिना, अयूब खोसा, लियाकत ख़ान, जो भी उस एक तारीख़ी लिहाज से जाने जाते हैं जिनकी एफर्ट थी, वो सारे आपको वहाँ पे नज़र आएंगे और काफ़ी कुछ भी आपको नज़र आएगा जो कि आपकी मज़ीद नॉलेज में भी इजाफ़ा करता है। और यहाँ जी कॉलेज के लॉन में बड़े ही परिंदे खूबसूरत आवाज़ों के साथ अपने कोने का एहसास दिला रहे थे। तो यहाँ जी मेरा आज का दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे आप नेक्स्ट डे का व्लॉग देखिएगा। आज तो मैं कहती हूँ बल्ले बल्ले हो गई, एक ही व्लॉग के अंदर इतने व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी अर्ली मॉर्निंग अबू जी की तरफ जा रही हूँ, तो तुहानू पता है 6:30 धुप शुरू हो जाती है, तो बस जी मैं जा रही हूँ, मैं चलो सुबह सुबह मैं चली जाऊँ, जाके खाना भी बनाना है, नाश्ता भी वहीं जाके करूँगी, और बेटे के साथ जा रही हूँ, फिर बेटा जी वापस आ जाएंगे तो वहाँ पे मेरे साथ मतलब कुछ टाइम गुजारेंगे उधर, तो फिर सेकंड टाइम भी वापस आ जाएंगे, नाना अबू के साथ टाइम गुजारेंगे। तो मैंने कहा चले मैं आप छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए बना लूँ कि मैं अबू जी की तरफ अब जा रही हूँ, जो मेरे घर के काम थे छोटे मोटे वो हो गए, कुछ रह गए हैं वो फिर इंशाल्लाह ईद से पहले चक्कर लगेगा। और देखिए ईद मैं किधर करती हूँ, अपने घर करती हूँ या अबू जी की तरफ करती हूँ, तो ये आपको ईद पे ही पता चलेगा कि सना जी की ईद किधर है भाई। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये लें जी अबू जी के घर पहुँच चुकी हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ, और गेट बंद है, नहीं तो अबू जी बाहर बैठे होते, अगर उनको पता हो तो उनको मैं बता के नहीं आई कि मैं आ रही हूँ। मैं कहता बस मैं आ जाऊँगी, गाड़ी कहाँ पर लगाऊँ, जैसे बाहर से बनाना है। ये लें जी पहुंच आए हैं, गाड़ी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, मजा आ गई है, क्या हाल है, ठीक ठाक है, आज वेड़ा तो होता है। अच्छा ये देखें जी, हाँ तीन पुड़िया दो नान ते नाल हलीम चने ते हलवा। ये जी आपका ईद का सूट, मेहरबानी जी।
ठीक है ठीक है जी। खोल के ये भी आसिया को ईद का नया सूट लेके दिया है। ये देखें बेटे ने फरमाइश की नाश्ते की, तो यहाँ पे आया जी देसी नाश्ता जो कि हम करेंगे क्योंकि गैस जा चुकी है। आओ नाश्ता निकालें और नाश्ता जी हमने करना है। ये देखिए ये गैस कोई नहीं है, गैस बिल्कुल भी नहीं है। इधर दूध उबला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये नाश्ता ही नान और पूड़ियाँ हो गई और हलवा तो इसके अंदर नहीं है। नहीं नहीं ये मेरे हल्वा पूड़ियाँ हैं, ये नान और ये है हलीम और ये है जी चने, ठीक है। नाश्ता बनाया ये देखें जी हलीम, ये चने और ये जी हलवा हमारा। इसको हम इधर करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ये देखें जी देसी नाश्ता, खाओ तो सो जाओ दोस्तों बाद ले बेटा। इसके बाद जी हमने बनाई है साथ ही लस्सी, तो लस्सी के साथ जी नाश्ता एंजॉय करेंगे। तो यहाँ जी नाश्ता डाल के हमने ले लिया, इनको मैं ढाँक दूँ। अबू जी जो हैं वो सो रहे हैं, अबू जी जी सो रहे हैं, अबू जी को ये नाश्ता देना भी नहीं है, ठीक है। चल तो अब हम करेंगे जी जा के नाश्ता, आस्ता आस्ता करेंगे नाश्ता। ये देखें दो अबू जी सोए पड़े हैं और वो जी मेरा नाश्ता पड़ा है। यहाँ जी बन रहे हैं कद्दू गोश्त, गोश्त मैंने सुबह का निकाल के रख दिया हुआ था। गोश्त को फ्रेश लगा के गोश्त को जितना 80% गलाना था गिला लिया, फिर जी कद्दू लेके आई और कद्दू को छील के इसके साथ ऐड किया है। अब जो 20% है वो गोश्त के साथ नहीं, जो 20% गोश्त रह गया है वो कद्दू के साथ गलेगा, ठीक है। धनिया तो इंज वे जिमें मैं कहनी हाँ सोना सोने का भाव धनिया विकन डे अजकल से। बाजार आई हुई हूँ, ये चिकन आलू लिया बच्चों के लिए, सालन बना के भेजना है। और अब इधर बाजार आई हूँ अबू जी के लिए फ्रूट लेना है, घर में फ्रूट ख़त्म हुआ पड़ा है, माशाल्लाह फ्रूट खाते हैं। तो मैंने चलें जी गाड़ी है तो भाग के बजाऊँ, तो भाग के बाजार जाऊँ मैं गाड़ी पे भाग के। शुक्र है बाजार में इतना रश नहीं करना, बहुत रश होता है बाजार में। तो ठीक है जी यहाँ से बस फ्रूट ले कर फिर मैं घर, घर जा के फिर आलू चिकन वाला जो रोस्ट बच्चों ने खाया था जब आए थे तो वही जी मैंने बना के भेजना है। तो बस बच्चों को आदत है, माँ पकाए थे खाया खाई है असी। तो यहाँ देखना आगे ना वो आई चैरियाँ, चैरियाँ लाना को बड़े शौक से खाते हैं। चैरियाँ हो ना चैरियाँ, पहले चैरियाँ लूँगी फिर आलू बुखारा फालसा फरमानी। यहाँ जी देखें ये फ्रूट लिया, फ्रूट में क्या लिया है, फालसा लिया 2 किलो, 2 किलो चेरियाँ, 2 किलो आलू बुखारे, 2 किलो आड़ू, 2 किलो फालसा और 2 किलो ये खुरमानी ली है। मेरे ख्याल में यही फ्रूट है सारा ये लिया है जी। तो अबू जी को जी हटाया आइसक्रीम और बोतलों से, फालसे का जूस बना देती हूँ, कभी आलू बुखारे का बना देती हूँ और फ्रूट या आड़ू का कभी बना देती हूँ। तो चेरियाँ वैसे ही खाती रहती हैं। चेरियों को तो जी मैं ये इस फ्रूट की फ्रेश फ्रूट की मूंगफली कहती हूँ कि इसको आप शुरू कर लें तो फिर बस तुसे आंदे हो कि हाथ ना रुके से इनू खा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जी आलू चिकन लिया हुआ था, ये बच्चों के लिए बना के भेजूँगी। तो रश वेखो मैं कहती हूँ ईद है ना, वो तो ईद की तैयारियों में आवाम निकली हुई है, रश और रश बाजार। ये देखें जी आलू चिकन का जो टिक्का रोस्ट बना था वो बनाया है, लीमू ने छोड़ दिया, बाकी वेजिटेबल जो है बच्चे हैं वहाँ पे फ्रेश काट के ऊपर इसके गार्निश कर लेंगे। फिलहाल ही मैंने ऐसे डिब्बे में बना के डाल दिए, ठीक है। यहाँ भी ऐसी आई हुई है रोटियाँ पका रही है और इधर से निकाल लेंगे पानी की बोतल। ये लो बेटा हाँ हाँ चलो पानी पी ले रहा है ठंडा वस्तु। चलो भाई लाफिज बेटा, खैर से जाए जी खैर का सफर हो।
کیسے جائے خیر کا سفر ہو, مغرب کی جانے وہی ہیں. بہت بجی کرتے ہیں.